नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे और आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 जनवरी 2022। तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट में बात करेंगे। पहले इस ट्वीट को आपके सामने रखते हैं और एक और वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, अपडेट आ रही है प्रयागराज से कि टेट परीक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। छात्रों ने सड़कों पर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। ट्रेन रोकने के लिए दोस्तों प्रयाग स्टेशन पहुंचे छात्र। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट का भी नाम सामने आ रहा है, तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए कि पुलिस वाले भैया छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, छात्रों का मतलब बेरोजगार छात्रों के साथ। वीडियो को देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी आपने इस वीडियो को देखा होगा और समझ में आ चुका होगा कि भैया अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके ऊपर भी लाठियां चल सकती हैं। तो गाइस, अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं ना, तो फिर एक अच्छी सरकार को भी चुनना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ऐसी दोस्तों लाठियां मिलेंगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी। देखिए दोस्तों, हमने एक सवाल पूछा था यूट्यूब पर आपसे कि क्या 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा निरस्त कर देना चाहिए, जो परीक्षा हुई है मतलब। तो दोस्तों 11,000 बच्चों ने वोट कर दिया। कितने? 11,000 बच्चों ने। और यहाँ पर दोस्तों हाँ में आ रहा है 66% वोट। तो मतलब दोस्तों 66% छात्र चाहते हैं कि परीक्षा को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा कैंसिल क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो हमारा परीक्षा के क्वेश्चन थे वो 2017 से रिपीट हो गए, और एक दो क्वेश्चन नहीं दोस्तों, लगभग 90 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब पीएनपी एक क्वेश्चन पेपर भी नहीं बना पा रही। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे सवाल उठा रहे हैं कि जो बच्चे कमजोर थे या जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, वही बच्चे सिर्फ डिमांड कर रहे कि परीक्षा निरस्त करनी चाहिए। तो एक बात और दोस्तों बता दें, हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको पेपर मिल गया हो, ठीक, उनको पहले से पता चल गया हो कि 2017 वाला ही पेपर आ रहा है, इसलिए दोस्त वो बच्चे भी सोच रहे होंगे कि भैया पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। देखिए नई शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एक बात जरा समझ लीजिए, अगर वैकेंसी आएगी भी ना 10 मार्च के बाद ही आएगी। अगर दोस्त इस परीक्षा को दोबारा 10 मार्च से पहले करा लिया जाए तो कितना बेहतर हो। इस अपडेट को भी दोस्तों जरा देखिए। यूपी टेट पर पुनः संकट के बादल। यूपी टेट 2021 लखनऊ बेंच में याचिका दोस्तों दाखिल कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग जगह से दोस्तों देखिए बच्चे अलग अलग अपडेट्स निकाल रहे हैं, नोटिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का वो आदेश जिसके आधार पर यूपी टेट 2021 की परीक्षा निरस्त तो हो सकता है। तो दोस्तों ये अलग अलग अपडेट्स देखने को लगातार मिल रही है। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, ठीक है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों क्या हो रहा है ना, जो बच्चे पास हो गए इस बार यूपी टेट में, नंबर अच्छे आ रहे हैं, अब वही बच्चे मतलब फेल छात्रों को ऐसा करें कि आप लोग जनगणना के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं। बताइए, कुछ बच्चे मतलब एक अच्छा स्कोर कर लिए, हो सकता है कि आपका लक अच्छा रहो, आपकी तैयारी बेहतर हो, लेकिन फेल छात्रों का मजाक उड़ाना ये उचित नहीं है। सभी बच्चों ने तैयारी ठीक ठाक की थी। किस्मत किस्मत की दोस्तों देखिए बात भी होती है, कभी कभी होता है ना कि लक भी साथ देता है। और देखिए जिन बच्चों ने 2017 का क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर पढ़ के गए थे, उनका पेपर तो बहुत ही अच्छा गया, शानदार गया, क्योंकि 90 से ज्यादा क्वेश्चन फंसे हैं प्राथमिक स्तर में। जी हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, कोरोना के मामले भी जरा देखते चले हम लोग। सोचिए 2,43,000 से ज्यादा केसेस थे और 692 लोगों की जान गई 24 घंटे के अंदर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि देश में लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और छात्रों के ऊपर दोस्तों लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो दोस्तों उसके बाद AK-47, जी हाँ दोस्तों, ऐसी गनों का भी इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी भी दोस्तों अपडेट आ रही है, देखे होंगे आप लोग वीडियो में भी। तो बच्चों को डराने धमकाने का दोस्तों पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक और अपडेट दोस्तों, यूपी टेट की ऑफिशियल उत्तर कुंजी 27 जनवरी को होगी जारी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी
27 जनवरी को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। मतलब दोस्तों कल हमारी ऑफिशियल आंसर की आएगी। हमने दोस्तों आप लोगों के लिए इसीलिए कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया है जहां से आप लोग ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने बच्चे पास होंगे कितने बच्चे फेल होंगे। और देखिए गाइस अगर हम संघर्ष करेंगे तो जीत जरूर होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों क्या हुआ था पता आपको? आरक्षण घोटाला हुआ था। किन बच्चों के साथ? अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या एससी कैटेगरी के, तो गाइस आप याद रखिए अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। 6,800 सीटों पर दोस्तों दोबारा चयन लिस्ट जारी की गई। सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अगर छात्र टंकी पर, पानी की टंकी पर जाकर दोस्तों लखनऊ में धरना दे रहे थे, खड़े हुए थे दिन रात, इतना दोस्तों संघर्ष किए तो जाके दोस्तों 6,800 बच्चों की चयन सूची जारी की गई। तो ये दोस्तों बड़ी बात है। 69,000 भर्ती की तरफ से अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो गाइस कुल मिला के बस कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे संघर्ष किए उसको उनको उनका नतीजा मिला। ऐसा नहीं कि बच्चों ने संघर्ष किया घर लौट गए। तो अगर लगता है कि हमें यूपी टेट में कुछ गलती हुई है तो देखिए एक बात याद रखिए, सभी बच्चों को गलत सही को सही कहना सीखना चाहिए कि जो गलत है आप उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। अधिकांश बच्चों को लगता है कितने क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए थे, कैसे रिपीट हो गया? तो ये मत कहिए कि जो बच्चे फेल है सिर्फ वही बच्चे आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे पास है ना, अब जो बच्चे 100 नंबर लाए तो वो बच्चे भी दोस्तों सोच रहे कि यार दोबारा पेपर हो जाए तो हम 100 को 110 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे मेहनत करते जिनको तैयारी पर भरोसा है वो बच्चे दोबारा पेपर से पीछे नहीं हटते। लेकिन अब जिन बच्चों को भैया जुगाड़ मिल गया होगा या जिन बच्चों को पता चल गया होगा कि 2017 वाला पेपर आ रहा है ना, अब वो बच्चे टेंशन में आ गए होंगे कि यार दोबारा पेपर होगा तब तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, अब दोबारा हमारे 118 थोड़ी नहीं आ पाएंगे, 110 नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी पूरी होगी ना तो वो दोबारा क्या तिबारा भी होगा तब भी दोस्तों वो हर बार वो अपने नंबर 2, 4, 5, 10, 10 बढ़ाते जाते हैं। तो गाइस देखिए आपके मन में यही सवाल था कि क्या परीक्षा दोबारा होगी। तो गाइस अगर संघर्ष होता है मामला कोर्ट में जाता, देखिए मामला कोर्ट में जा चुका है, अब देखिए ये जज साहब ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो दोस्तों जज साहब पर भी कुछ चीजें हम छोड़ते हैं और अंतिम फैसला दोस्तों उन्हीं का होगा कि पेपर दोबारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर निरस्त होगी कि नहीं देखते हैं दोस्तों। और यूपी टेट छात्रों के साथ किया गया बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, एक तो बात ये है ना, लाखों छात्रों का पेपर छूट गया। पहली बार कोरोना के चक्कर में अधिकांश बच्चों की तबीयत खराब थी, पेपर नहीं दे पाए। तो गाइस हो सकता है कि इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया जाए क्योंकि आप देखे होंगे कि कैसे पुलिस वाले बच्चों को डरा रहे हैं। देखिए क्या है ना, बच्चों को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। देखिए बच्चे तो वैसे ही टूटे होते हैं गाइस, आप सोचिए अगर आप संघर्ष करते, देखिए आप में से काफी बच्चों ने यूपी टेट की तैयारी की होगी, नहीं निकला तो आप वैसे ही टेंशन में होंगे। लेकिन जब आपको ये बात पता चली होगी यार ये पूरा क्वेश्चन 2017 वाला फंस गया, तब तो और ज्यादा टेंशन में कि बताइए क्या पीएनपी एक नया क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकती, क्या कॉपी पेस्ट से ही अब काम चलेगा आने वाले समय में? मतलब इतनी बड़ी समस्या दोस्तों देखने को मिली। अगर ये करते 2017 के 2-4 क्वेश्चन डाल देते, 18 के 2-4 क्वेश्चन, तब तो ठीक था कि हर जगह से क्वेश्चन लिया गया। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया कि एक विशेष वर्ग को इसका फायदा मिल जाएगा। अब बताइए अगर किसी को पहले से ये बता दिया गया होगा कि भैया ठीक है 2017 वाला क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, 150 में से 90 नंबर आपके बन जाएंगे। 90 से ज्यादा नंबर मतलब फंसने का मतलब यही है दोस्तों कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैच हो गया। क्योंकि दोस्तों जो हमारी पासिंग मार्क है जनरल कैटेगरी की वो 90 नंबर है, बाकी आरक्षित वर्गों की पासिंग मार्क है 82 नंबर। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, बाकी आप लोग समझदार हैं। जो भी दोस्त इसकी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, पल पल की अपडेट्स, कोर्ट की अपडेट, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फेल होने वाले छात्रों के लिए भी खुशखबरी है गाइस, आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, मामला कोर्ट में जाएगा, जो भी होगा अच्छा होगा और भरोसा रखिए जज साहब पर। ठीक है, बाकी क्या है ना कि जो बच्चे पास हो गए हैं तो ठीक है, फेल छात्रों पर तंज कस रहे हैं कि थोड़ा और पढ़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, तो गाइस फेल हुए छात्र भी डीमोटिवेट अभी गाइस आपको नहीं होना है। ठीक है ना, बाकी अब जिनको भैया पेपर वेपर पता चल गया होगा वो बच्चे तो और ज्यादा तंज कस रहे हैं बच्चों पर कि और पढ़ लेते, ये कर लेते। ठीक है, देखिए दोस्तों समय समय की बात है, कुछ बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, कुछ बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। अभी देखिए सुपर टेट में सबको पता चलने वाला है कि क्या होगा। ठीक है, यूपी टेट दोस्तों क्या है ना, पहले से आपको बता दें लाखों बच्चे पहले तो वैसे यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास कर कर ही बैठे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि यूपी टेट कोई बच्चा इस बार पास कर ले तो बहुत बड़ा जंग जीत लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, लाखों बच्चे पहले से पास कर कर बैठे हैं। आपको बता दें 69,000 भर्ती में 4,00,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था सुपर टेट के लिए, तो वहां पर तो 69,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, तब भी 3,00,000 से ज्यादा बच्चे सिर्फ 69,000 भर्ती से आएंगे इस बार नई शिक्षक भर्ती में।
ठीक है, अभी तक कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया। एक बात और आपको बता दे, कुछ बच्चों का मानना ये है ना कि 17,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा दोस्तों नहीं है, ये सिर्फ बातें कही गई थी। 97,000 शिक्षक भर्ती की हमारी मांग थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आपको बता दे 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे ना, तो कोई भी सरकार बनती है ऐसा मत सोचिएगा कि 10 मार्च को सरकार मतलब बन जाएगी, किसी न किसी की जीत हार हो जाएगा। तो ये नहीं कि 11 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 12 मार्च से आवेदन, ऐसा नहीं है। तो यूपी टेट की दोस्तों परीक्षा हुई है, समय दोस्तों अभी पर्याप्त है, इसीलिए दोस्तों संघर्ष किया जा रहा है कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसका समाधान होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा होता कि वैकेंसी के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला होता, 10 दिन बाद की वैकेंसी का फॉर्म भरा जाएगा, तब तो कोई ये नहीं कहता कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, जब आपके पास अभी समय पर्याप्त है। ठीक है, समय दोस्तों हमारे पास पर्याप्त है, जब तक भर्ती नहीं निकल रही तब तक दोस्तों संघर्ष कर लिया जाए, अगर सही से परीक्षा हो जाए तो बेहतर है। तो ये भी दोस्तों पता चलेगा कितने बच्चे पास हो रहे, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो गाइस अच्छी बात है, पेपर आउट ना हो, और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो पेपर रद्द होगा कि नहीं, ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं गाइस, शेयर करना है आपको इस बार, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना, लाइक तो आप लोग ऐसे भी भूल जाते हैं, तो लाइक एंड शेयर करिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट देखिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट होंगी कोर्ट की दोस्तों, पूरी अपडेट जब मामला कोर्ट में जाएगा, जब सुनवाई की जाएगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी हमारी आंसर की और रिजल्ट देखिए अगले महीने जारी होना यूपी टेट का, ठीक है, समय पर्याप्त है, पहले आंसर की आएगी ऑफिशियल वाली, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन ऑफिशियल की में क्या होता है ना, उसमें कॉमन नंबर की बात नहीं होती, कितने नंबर फ्री के मिलेंगे जो आप सोचते हैं, वो दोस्तों आता है फाइनल आंसर की में। वहां पर दोस्तों फैसला किया जाता है जब उसके विषय विशेषज्ञ लगते हैं, तो वहां पर फाइनल होता है कि कितने नंबर फ्री के या कॉमन दिए जाएंगे। और इसी बात पर दोस्तों 2017 के इन्हीं क्वेश्चन पर विवाद हुआ था, मामला कोर्ट में गया था, तब तो यही बात हो रही ना कि वही क्वेश्चन रिपीट कैसे कर दिए, जब एक बार मामला कोर्ट में जा चुका। लेकिन दोस्तों ये अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे और ज्यादा परेशान है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।